दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस कमाल के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे अपने ऐतिहासिक सिक्के या फिर नोटों को, या फिर आप बोल सकते हैं जो पुराने रेयर और एंटिक सिक्का या नोट हैं, उन सभी को लाखों रुपए में बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास इस लॉकडाउन के दौरान भी दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय से एक प्रपोजल आ चुका है, यानी कि पुराने सिक्के या नोटों का एक लिस्ट हमारे पास आ चुका है जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि उस लिस्ट में कौन कौन से पुराने सिक्के या फिर नोटों का विवरण दिया हुआ है और उन सभी नोटों और सिक्कों का क्या कीमत है और आप उसको घर बैठे बैठे किस तरह से उस संग्रहालय में लाखों रुपए में बेच सकते हैं। लेकिन वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस वीडियो में एक सवाल जवाब प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में जो भी सही जवाब देगा उनमें से किन्हीं तीन विजेता को 10,000 का नकद इनाम उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप सभी में से कोई भी अपना बैंक खाता का डिटेल वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं डालेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास उन विजेताओं के बैंक खाते का डिटेल कहां से मिलेगा, तो आप सभी को बता दें कि जो भी लोग सही जवाब देंगे यानी कि जो विजेता होंगे उनसे उनके ईमेल के जरिए हम संपर्क करेंगे और उनको उनके इनाम का राशि ट्रांसफर कर देंगे। अब बात यह आती है कि इस प्रतियोगिता में पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है, तो आपको बता दें ये सवाल इस वीडियो के बीच में या फिर अंत तक कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको इस सवाल को सही से सुनना है और इसका सही जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग सही तरीके से देंगे लेकिन हम सिर्फ 3 लोगों को ही विजेता घोषित करेंगे। इन विजेताओं का चयन हम एक रैंडम कमेंट पीकर नामक वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। इसमें जिसका भी नाम आएगा वही विजेता होंगे। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें ताकि ये सवाल आपसे छूट ना जाए। दोस्तों वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटे का निशान आएगा उसे भी जरूर प्रेस करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करिए ताकि जिसके पास भी पुराने सिक्के या नोट उपलब्ध हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने सिक्के या नोटों को लाखों रुपए में घर बैठे बेच सके। दोस्तों वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके पास ऐतिहासिक या पुराने सिक्के या फिर नोट कौन कौन से उपलब्ध हैं और कितने कितने पीस उपलब्ध हैं। दोस्तों आप सभी लोग जितना कमेंट करते हो उतना ही आपके सिक्का और नोट बिकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कमेंट करने से आप सभी का क्या फायदा होता है। दोस्तों हम आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में लाखों के तादाद में कॉइन कलेक्टर्स उपलब्ध हैं और उन सभी कलेक्टर्स की एक प्रॉपर टीम होती है जो कि पुराने सिक्के या नोटों से संबंधित सभी वीडियोस के कमेंट चेक करते हैं और वहीं से उनको मालूम पड़ता है कि लोगों के पास कौन कौन से पुराने सिक्के या नोट उपलब्ध हैं। इसी कारण हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए कि आप सभी के पास पुराने सिक्के और नोट कौन कौन से उपलब्ध हैं और कितने कितने पीस उपलब्ध हैं। आप जितने ही कमेंट करेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। आपको बता दें हमारे ऑफिशियल ईमेल पर अभी तक 10,000 से ज्यादा ईमेल आ चुके हैं जिसमें ये लिखा है कि आपके वीडियो के माध्यम से हमारे पुराने नोट या सिक्के अच्छे कीमत में घर बैठे बिक चुके हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोगों का भी पुराने सिक्के या नोट हमारे वीडियोस को देखने के बाद बिक जाते हैं तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल मेल पर मेल करके बता सकते हैं। आपके ऐसे करने पर हमें काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं कि उस कंपनी का क्या नाम है और उस कंपनी के लिस्ट में कौन कौन से सिक्के या नोट का नाम उपलब्ध है और उनकी कीमत क्या है और आप उन सभी सिक्कों या नोटों को लॉकडाउन के दौरान भी घर बैठे कैसे लाखों रुपए में बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश में जो भी सिक्के होते हैं उसकी ढलाई कहाँ कहाँ होती है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है कि उसकी ढलाई कहाँ हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिक्कों के बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को ढलाई बोला जाता है और ढलाई करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मिंट कहा जाता है और मिंट का जो निशान होता है उसी को मिंट मार्क कहा जाता है। दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक चार्ट जिसमें सिक्कों के मिंट के बारे में दिखाया हुआ है। सबसे पहले आता है मुंबई मिंट, यानी कि जिस सिक्कों की ढलाई मुंबई मिंट में हुई है उसी को मुंबई मिंट के सिक्के कहे जाते हैं और इन सिक्कों का मिंट मार्क डायमंड होता है, यानी कि अगर आप सिक्कों के ऊपर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको ये मिंट मार्क दिख जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है कोलकाता मिंट, यानी कि जिन सिक्कों की ढलाई कोलकाता मिंट में हुई है
उन सभी सिक्कों को कोलकाता मिंट के सिक्के कहे जाते हैं और इसका कोई भी मार्क नहीं होता है, यानी कि किसी सिक्कों के ऊपर कोई भी मार्क नहीं होता है, तो आप समझ लें कि वो सिक्का कोलकाता मिंट में ढलाई हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है हैदराबाद मिंट, यानी कि जिन सिक्कों की ढलाई हैदराबाद मिंट में हुई है उन सभी सिक्कों को हैदराबाद मिंट के सिक्के कहे जाते हैं और इनका मिंट मार्क स्टार होता है, यानी कि अगर आप सिक्कों के ऊपर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको ये स्टार मिंट मार्क दिख जाएगा, यानी कि अगर आपके सिक्कों के ऊपर स्टार बना हुआ होगा तो आप समझ लो कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट में ढलाई हुआ है। चौथे नंबर पे आता है नोएडा मिंट, यानी कि जिन सिक्कों की ढलाई नोएडा मिंट में हुई है उन सभी सिक्कों को नोएडा मिंट के सिक्के कहे जाते हैं और इनका मिंट मार्क डॉट होता है, यानी कि अगर आप सिक्कों के ऊपर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको ये डॉट मिंट मार्क दिख जाएगा। आपको बता दें, सिक्कों का मूल्य या कीमत उसके कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। सिक्कों का कंडीशन तीन तरह का होता है, जैसे कि यूएनसी कंडीशन, फाइन कंडीशन और वेरी फाइन कंडीशन। यूएनसी कंडीशन का मतलब होता है कि सिक्का ढलाई करने के बाद वो सिक्का मार्केट में चला ही नहीं हो, यानी कि पूरी तरह से नया हो। वहीं अगर बात करें वेरी फाइन कंडीशन की, तो इसका मतलब होता है सिक्का ढलाई होने के बाद कम मात्रा में या फिर थोड़े बहुत ही मार्केट में प्रचलन में था और वो सिक्का बिल्कुल नया कंडीशन में है। वहीं अगर बात करें फाइन कंडीशन की, तो इसका मतलब होता है सिक्का ढलाई होने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा होगा और वो पुराना हो जाता है। दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये कंपनी आपसे आपके सिक्के या नोट खरीदेगी। उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे रेयर और एंटिक सिक्के या नोटों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बदले में ये कंपनी आपको काफी ज्यादा कीमत प्रदान करने वाली है। जी हाँ, इस कंपनी को फिलहाल इन्हीं सभी सिक्कों या नोटों की जरूरत है अपने संग्रहालय में रखने के लिए। अब आप सभी स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला नोट है 20 रुपए वाली पुरानी नोट, जो कि काफी ज्यादा रेयर और एंटीक मानी जाती है, और इसके बदले कंपनी आपको पूरे 1,00,000 देगी यूएनसी कंडीशन में। वहीं अगर ये नोट वेरीफाइन कंडीशन में है तो आपको 60,000 से 70,000 तक दे सकती है। वहीं अगर ये नोट फाइन कंडीशन में है तो आपको 30,000 से 40,000 तक दे सकती है। दूसरा नोट है ये 50 रुपए वाली पुरानी नोट, जो कि आपको मार्केट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती होगी, यानी कि ये नोट काफी ज्यादा रेयर और एंटीक हो चुकी है, और इसके बदले कंपनी आपको यूएनसी कंडीशन में 1,50,000 रुपए तक दे सकती है। वहीं अगर बात करें वेरीफाइन कंडीशन में तो आपको 1,00,000 रुपए तक दे सकती है। वहीं अगर बात करें फाइन कंडीशन में तो आपको 60,000 तक दे सकती है। तीसरा जो है वो हमारा सिक्का है, और ये सिक्का कोई और सिक्का नहीं है। जी हाँ, ये सिक्का 5 रुपए वाली माता वैष्णो देवी का सिक्का है, और इसके बदले यूएनसी कंडीशन में कंपनी आपको 80,000 तक दे सकती है। वहीं अगर बात करें वेरीफाइन कंडीशन में तो आपको 60,000 तक दे सकती है। वहीं अगर बात करें फाइन कंडीशन में तो आपको 30,000 तक दे सकती है। तो दोस्तों, आज का सवाल जवाब प्रतियोगिता का सवाल ये है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है। कमेंट में इसका सही आंसर लिख दें। दोस्तों, अब आपको करना क्या है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी द्वारा दी गई एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके कंपनी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना फेसबुक आईडी से लॉगिन करना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक आईडी से ही लॉगिन करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि आप अपनी फेसबुक आईडी से जैसे ही उस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद उस कॉइन कंपनी द्वारा आपके फेसबुक पर 4 से 5 दिन के अंदर मैसेज किया जाएगा। उसी मैसेज में उस कंपनी के स्टाफ आपसे आपके सिक्के या नोटों के बारे में जानकारी लेंगे और आपको पेमेंट करने के बाद आपका सिक्का और नोट आपके घर से कलेक्ट कर लेंगे। तो कंपनी की ये एप्लीकेशन जरूर से इंस्टॉल करके अपने फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लें। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के सिक्के और नोटों के वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत।